पीयू जी अपनी दादी को छोड़ के आ गई हैं। बोलो, आ गई है छोड़ के दादी को? हाँ? बस नहीं आने लगा इसको। हम लोग अभी यहाँ से निकले हैं कोलकाता के लिए, और ये ब्लॉग अक्सर मैं शूट करती हूँ रांची टू कोलकाता का, पर इसमें कुछ खास है इस बार। अभी हर जगह क्या है कि बारिश का मौसम है, तो हम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकले थे क्योंकि हमें रास्ते में कुछ कुछ जगह जाना था इस वजह से। तो अभी हम लोग निकले हैं जस्ट 6:30 AM, एकदम सुबह उठ के हम लोग निकल गए थे। और आप वेदर देख रहे हो, कितना प्यारा सा वेदर है रांची का। और अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, मैंने एक मिनी ब्लॉग में शेयर किया था एक माता रानी का मंदिर जो कि उल्गा में पड़ता है, जमशेदपुर टाटा वाला जो हाईवे है उस रोड में पड़ता है। तो हमने आज सुबह सुबह फ्रेश होके सोचा कि वहाँ चलते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर उस रोड से जाते हैं और सिर्फ दर्शन करके चले जाते हैं, कुछ प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ा पाते। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग दोपहर में आते हैं, खाते हुए चले आते हैं, यहाँ से जाते हैं तो नाश्ता करते हुए चले जाते हैं। पर इस बार हमने सोचा कि नहीं, इस बार चलेंगे अंदर और प्रसाद चढ़ाएंगे। तो हम वहाँ पर अभी पहुँचने ही वाले हैं कुछ देर में। यहाँ पीहू अपना प्ले जोन एरिया बना चुकी है कार के नीचे में, मतलब जो सिटिंग एरिया का है उसका नीचे का पार्ट, ये खेलते रहती है, कभी ऊपर सोते रहती है। हमने इसका बेड भी बगल में लगा रखा है, तो एक छोटा सा मिनी घर ही बन जाता है कार। अगर आप थोड़ा लॉन्ग ट्रेवल करते हो तो जिनके पास बच्चे हैं वो ये अच्छी से इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि आपके लिए वो थोड़ा सा कुछ देर के लिए वो घर ही हो जाता है आपका जो कार है। तो अब हम लोग कुछ देर के बाद बस पहुँच ही गए थे मंदिर में, और मंदिर के बगल में है ये पूजा भंडार। आप यहाँ से फूल माला नारियल वगैरह खरीद सकते हो, 100 रुपीज़ की टोकरी मिलती है। आप उसके अलावा कुछ भी जो भी ऐड कराओ आप ऐड करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चुन्नी वगैरह ली थी, और सुबह सुबह का टाइम था, और लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खासी भीड़ थी मंदिर में, क्योंकि ये वैष्णो धाम से कोऑर्डिनेट है इस मंदिर का। जो भी यहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है वो डायरेक्ट वैष्णो मंदिर जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ है। और लगता था कि मतलब इन दिनों कुछ वहाँ जगराता वगैरह होने वाला है, तो वो पंडाल वगैरह बन रहा था वहाँ से। ये मेन हाईवे है जमशेदपुर टाटा वाला, जहाँ पर आपको ये मंदिर मिल जाएगा। आप गूगल सर्च करोगे श्री माता वैष्णो धाम मंदिर करके तो आपको ज़रूर मिलेगा, एक बार ज़रूर जाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी जगह पे ये मंदिर बना हुआ है, और बहुत ही टेक्निक से मंदिर को बनाया गया है, मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि माता रानी अब बोल देंगी वैसा वाला, एकदम जागृत चेहरा और क्यूट सा चेहरा लगता है माता रानी का। माफ़ कीजिएगा, मतलब क्यूट सा ही लगता है, ऐसा ही बोल रही हूँ मैं, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही भव्य जो है उनकी बनाई गई है मूर्ति को, और वहाँ पे शिव परिवार की भी मूर्ति है, शिवलिंग भी है, सिया राम के भी मूर्ति हैं, सारी चीज़ों की मूर्तियाँ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पे अलग से भंडारा वगैरह भी चलता है। तो चलिए पूजा करते हैं अब। जाओ खेलो, तो खेलो नहीं नहीं हम है ना। वो हम जला देंगे, आप नारियल फोड़ लीजिए ना बस। Thank you.
सा मुंह में सटाओ बेटा बेटा। अच्छा बेटा हाँ गुड गर्ल। आप भी खाइए। माता रानी बोलो माता रानी पीछे जल्दी जल्दी बड़ा होके आएंगे। पीयू जो है जल्दी जल्दी बड़ा होके आएगी। बदमाश पीयू देखो 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 तो सब क्या बोलेगा कि पीयू बदमाश है। तो वहाँ हमें पूजा करने के बाद भंडारे का प्रसाद भी मिल गया, तो हमने भंडारे का प्रसाद भी खाया और फिर हम लोग आगे के लिए चल पड़े। और हमने आधे घंटे के बाद एक संधूदा ढाबा है जहाँ पे अक्सर हम रुक के नाश्ता वगैरह करते हैं, वहीं पे रुके हम लोग और वहीं पे हम लोगों ने नाश्ता किया क्योंकि हमें मंदिर जाना था। इसलिए हम क्या खाएगी पीहू? हम सुबह नाश्ता करके नहीं निकले थे। तो यहाँ पे पीहू जी और हेलो कर दो बाय बाय। नहीं जाओ उधर नहीं जाओ। आप यहाँ गाड़ियों की क्वांटिटी देख के समझ गए होंगे कि इनका रेस्टोरेंट कितना चलता है और खाना भी काफ़ी अच्छा है, मतलब स्वच्छ है, उससे मतलब है टेस्टी है। और इन्होंने कुछ दूरी पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बना के रखा है, लाइक झूले, स्विंग वाला झूला, ये सब चीज़ें बना रहे हैं अभी। काफ़ी बड़े एरिया में इनका है, कभी उस रास्ते से जाइए तो ज़रूर वहाँ पे रुकिए। और अभी ये सब कंस्ट्रक्शन में चल रहा है और सामने में पान भंडार भी है। पिछली बार पान खाने में इनके साथ दुर्घटना हो गया कि पान खाया इन्होंने तो इनकी पूरी जीभ कट गई थी क्योंकि उसने चूना बहुत ज़्यादा दे दिया था। तो जिनको चूने खाने की आदत नहीं है वो थोड़ा सा पान वाले को बता के बनवाया कीजिए कि मीठा पान बनाना है। पता नहीं उसने क्या सुना, इन्होंने क्या बोला, गलत पान बना के दे दिया। तो यहाँ पे हम नाश्ते के इंतज़ार में मैं इधर उधर घूम रही थी और अब नाश्ता आने ही वाला है। पीहू पीहू क्या खाएगी? पीहू क्या खाओगी? क्या खाओगी? क्या खाओगी? हवा खाएंगे। मेरा नाश्ता यहाँ हो चुका था कंप्लीट और एज यूजुअल पीहू परेशान करने लगी थी तो मैं उसको झूले वाले साइड ले आई थी। और हम दोनों तब तक यहाँ पे झूला झूल रहे थे तब तक इसके पापा खा रहे थे। और खाने के बाद हम लोग निकल पड़े वहाँ से। अभी हम लोग यहाँ रुके हैं, इनको ऑफिस का काम से कुछ बांस का कुछ ज़रूरत था, वही बात कर रहे हैं लोगों से। सुबह सुबह उठ के हम लोग चल दिए है ना, तो दोनों माँ बेटी नींद नहीं है, पीहू भी सोई हुई है। सॉरी फेस नहीं दिखा सकती, सोते हुए बच्चे की फेस नहीं दिखानी चाहिए। तो मैं भी बस सोने ही वाली थी कि इन्होंने बोला कि चलो एक बार देख लेते हैं बांस के बारे में, तो वही देखने गए। अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे खड़गपुर वाले घर। खड़गपुर में भी हमने घर लिया है, वहाँ पर रेंट पर है घर पर, तो वो भी देखने जाएंगे क्योंकि अभी ये फ़िलहाल मंडे टू फ्राइडे खड़गपुर ही रहते हैं, तो वहाँ भी एक घर है हमारा। तो पहले वहाँ चलते हैं हम लोग, वहाँ दिखाते हैं कि कैसा है घर। और मैं अभी भी नींद में ही लग रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा। तो चलिए वहाँ पहुँच के फिर वहाँ का शूट करते हैं। इस बीच मैं थोड़ा सा नैपी ले लेती हूँ, थोड़ा सा नींद ले लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट खड़गपुर में। मैं खड़गपुर पहुंच के शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहां जाके पीहू के डायपर चेंज करने थे, उसको खाना खिलाना था, तो टाइम बहुत कम था, तो शूट करना ही भूल गई, दिमाग से ही निकल गया। अगली बार जब मैं जाऊंगी तो आराम से आपको वहां का घर दिखाऊंगी कि वहां पे कैसा घर है, कैसे हम लोगों ने शिफ्टिंग वगैरह की, ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। अभी मैं कोलकाता में इन कर चुकी हूँ और यहाँ पे तो रांची से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है बारिश की, मतलब पूरा अंधेरा था, कभी भी बारिश हो सकती थी। और हम कोलकाता सोच रहे थे कि घर पहुँच जाए उसके बाद बारिश हो, क्योंकि पीहू आराम से सो रही थी, अभी वो बारिश की आवाज़ से उठ जाती और फिर परेशान करती। तो हम कोलकाता इन करने के बाद, हमारा घर लगभग 45 मिनट्स के बाद आता है, तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो किसी भी तरीके से घर पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉल घर से मात्र 10 मिनट पहले से बारिश स्टार्ट हो गई थी और तब तक पीहू भी उठ चुकी थी।
तो इस ब्लॉग में मैंने ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग जो माता रानी के मंदिर गए थे उसके लिए मैंने एक मिनी ब्लॉग भी बनाया था, तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा वो मंदिर अगर आप बिहार झारखंड में ट्रैवल करते हो तो, झारखंड से कोलकाता ट्रैवल करते हो तो, और आप देख रहे हो कोलकाता में बारिश की क्या स्थिति है, सड़कें पूरी तरह से इस तरह से भींगी हुई है और अभी भी बारिश होने वाली है, ऐसा नहीं है कि बारिश ख़त्म हो गया है यहाँ पे। हाँ, तो मैंने बीच में बात को कट कर दिया था, तो उस मंदिर में ज़रूर जाइएगा, बहुत ही मैं ये नहीं बोलूँगी कि ठीक है जिसकी जहाँ पे जो मन्नत पूरी होती है उसकी वहीं पे आस्था हो जाती है, तो आप एक बार दर्शन कीजिएगा, बस मैं इतना बोलूँगी। और अब हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं, बस 10 मिनट बाकी है और ये बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी और हम सोच रहे थे कि बस घर पहुंच जाते हैं और इस बार थोड़ी जल्दी हम लोग घर पहुंच गए। तो यही सब था ब्लॉग में, बने रहिए और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।